गोविंद सिंह दोतासरा जी, उदय भान जी, भूपिंदर हुडा जी, कुमारी सैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप इतनी सुबह ठंड में यहां आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूं। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर, 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं, इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे, कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये लोग चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के गरीब किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है, और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, ये यात्रा उनकी है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और ये काम कांग्रेस पार्टी ने, विचारधारा है जो है, जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है, ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, और इसमें दो विचारधाराएं लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, पहुंचाती थी, और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो यह लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है, इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। सीखने को बहुत मिला यात्रा में,
लंबे भाषण नहीं देते हैं। 6 बजे सुबह शुरू होती है और आमतौर से 6-7 घंटे हम चलते हैं। आजकल नेताओं को आदत हो गई है, और मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी सब पार्टियों की बात कर रहा हूं, आजकल नेताओं के बीच में और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और भाषण देते, घंटों लंबे भाषण देते हैं। इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है। 7-8 घंटे अब चलते हैं और सारे के सारे नेता किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं। और 7-8 घंटे बाद, चलने के बाद, सड़कों पर चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद हम 15 मिनट भाषण देते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति के एक विजन दिया है, काम करने का तरीका दिया है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के पीसीसी प्रेसिडेंट्स ने डिसीजन लिया है कि महीने में एक बार राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सब नेता 15 किलोमीटर चल के जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनकर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारी सरकार है, मैं खारगे जी से कहूंगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहूंगा कि मैं चाहता हूं, सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हमारे कैबिनेट को, हमारे एमएलएस को, नेताओं को कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन इन सड़कों पर चलना चाहिए, धक्के खाने चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए। यात्रा भारत छोड़ो यात्रा नाम है, नफरत के खिलाफ यात्रा जरूर है, मगर 2 बड़े मुद्दे हैं जिससे हिंदुस्तान को बहुत चोट पहुंच रही है, दर्द हो रहा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी, इन सड़कों पे हजारों युवा मेरे पास आए हैं, किसी ने इंजीनियरिंग की, कोई डॉक्टर बनने इसमें शामिल होना चाहता था, कोई जुडिशरी में काम करना चाहता था। और जब मैं पूछता हूं भाइयों बहनों क्या करते हो, इंजीनियरिंग तो पढ़ ली तुमने, आज 21वीं सदी में क्या कर रहे हो, जवाब मिलता है ऊपर चला रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। 5-7 लोग जो भी करना चाहते हैं कर लेते हैं, अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए का उनको कर्जा है, जो भी बिजनेस उनको करना है कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, पोर्ट, खेती, जो भी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर जो भी करना चाहते हैं 1 सेकंड में वो कर लेते हैं। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस चलाते हैं, उनको परे कर दिया है। मैंने अपने भाषणों में कहा नोटबंदी जीएसटी पॉलिसी नहीं है, नोटबंदी और जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, उनको खत्म करने के हथियार हैं। और लक्ष्य यह है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 2-3-4 लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। नतीजा यह है कि आज ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो दूसरा मुद्दा यह है, और तीसरा मुद्दा उतना ही जरूरी, महंगाई। आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, आज 1000 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है, 1200 रुपए में मिलता है। पेट्रोल 60 रुपए का मिलता था, आज कितने का मिलता है, 107 रुपए का मिलता है। और जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे, महंगाई की बात करते थे, मगर आज महंगाई की बात नहीं करते। तो ये 3 मुद्दे हैं,
महंगाई कम करनी है और बेरोजगारी मिटानी है। आप सब आए, आपने इतना प्यार दिखाया और पूरे रास्ते पे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप आज देखना, एक बात नोट करना, जैसे आज सुबह मुझ में कोई थकान नहीं है, वैसे ही शाम को आप मेरा चेहरा देखना जब मैं भाषण दूंगा, जैसा आज सुबह मैं दिख रहा हूं वैसा ही मैं शाम को दिखूंगा, कोई थकान नहीं होती। देखिए राजस्थान के लोग, राजस्थान के हमारे नेता हैं, बैठे हैं स्टेज पे, गहलोत जी बैठे हैं, दोतासरा जी बैठे हैं, पायलट जी बैठे हैं, जितेंद्र जी बैठे हैं, हरीश चौधरी जी बैठे हैं, इनका चेहरा देखिए, क्या ये 17 दिन चले हैं, 25-25 किलोमीटर चले हैं, हाफ मैराथन हर रोज दौड़ी है इन्होंने, क्या इनके इनके चेहरों पे थकान दिख रही है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी अपनी शक्ति से नहीं चल रहे हैं, हम आपके मोहब्बत और आपकी शक्ति के साथ चल रहे हैं। तो आपने मदद की, आपने पूरी शक्ति अपनी डाल दी इस यात्रा में, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अब चलो हरियाणा की इन सड़कों पे अगले 3 दिन हम चले और हरियाणा की जनता के दिल में जो दर्द है उसको सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सत्य सटीक बेबाक।